तो हे गाइस वेलकम व्लॉग। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ बेसिकली किया सोनेट की। आज तक मैंने आपको हर टाइप की मॉडिफिकेशन दिखाई है, हर चीज़ दिखाई है कि ये चीज़ कैसे होती है कैसे नहीं होती है, बट आज मैं आप लोगों को किया सोनेट का जो बेस वेरिएंट आता है उसके अंदर मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा जिसको हमने टॉप वेरिएंट के अंदर प्रॉपर कन्वर्ट करा है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग मान के चलो हर चीज़ को इसके अंदर हमने टॉप वेरिएंट जैसी बनाई और टॉप वेरिएंट से बेटर बनाने की भी कोशिश करी गई है। अब एक चीज़ की क्लेरिफिकेशन देना यहाँ पे मेरे को बनता है कि ये टॉप वेरिएंट ही है। ये देख लो भाई, फेंडर पे इंडिकेटर टॉप वेरिएंट में ही देखने के लिए मिल सकता, मतलब सॉरी बेस वेरिएंट में ही देखने के लिए मिल सकता है, वरना तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता। नेक्स्ट इसके अंदर मॉडिफिकेशन ये वाली भी होने वाली है, बट उसमें भी थोड़ा सा टाइम है, बट बेस वेरिएंट को हमने टॉप बनाया तो अलॉय व्हील यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फ्रंट से शुरुआत करते हैं हम गाड़ी की। सबसे पहले देखो भाई, अगर मैं आपको यहाँ पे लाइट्स दिखाऊं तो इसके अंदर भाई प्रॉपर ये जो पोर्शन है ना आपका, यहाँ से लेकर हेडलाइट के ऊपर जो डीआरएल लगाते हैं वो, ये पूरे मतलब अंदर तक पूरे डीआरएल लगे हुए हैं। एक बार मैं आपको ऑन भी करवा के दिखा देता हूँ, डीआरएल सभी ऑन हो जाएंगे, उसका रिस्पॉन्स दिखा दूंगा। एंड बेस वेरियंट है तो देखो भाई इसके अंदर नॉर्मल आपको लाइट देखने के लिए मिलती है, जिसका यहाँ पे ये बल्ब तो मुझे चेंज दिख रहा है, और ऊपर भी इसके अंदर भाई देखो एलईडी या फिर एलईडी लगी हुई है, देखो सामने नजर आ रहा होगा आपको, जिससे कि इसका थ्रो वाइट हो जाएगा। एंड अगर आप लोगों को मैं ये दिखाऊं तो नीचे की तरफ भाई प्रोजेक्टर आता है, प्रोजेक्टर भैया ने देखो कंपनी से ही लगवा लिया था, अभी अपने पास तो नहीं आया, जैसे आएगा मैं बता दूंगा। इसके साथ ब्लैक कलर के यहाँ पे पियानो फिनिश भी है। एंड ओवरऑल देखो फ्रंट की जो ग्रिल है, बेस वेरिएंट के अंदर प्लास्टिक की आती है, बट ये देखो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आती है, ये भी देखो चेंज हुई हुई है। एंड फ्रंट का जो आप पोर्शन देख रहे हैं ग्रिल, इसके ऊपर भाई देखो हनीकॉम वाले डिजाइन, मतलब हनीकॉम नहीं टाइगर नोज ग्रिल है, इसके ऊपर एक मतलब टेक्सचर रहता है वो नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर भाई देख लो इसके ऊपर क्रोम देखने के लिए मिलेगा, लुक वाइज क्रोम सही है, ओवरऑल देखो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट की जो स्कर्ट प्लेट्स रहते हैं उसके ऊपर यहाँ पे प्रॉपर भैया ने देखो जीटी लाइन वाले डिजाइन बनाया है, जिसकी आप लोग देख लो भाई रेड कलर के यहाँ पे टेपिंग हो जाती है नॉर्मली, जो कि भाई फिट एंड फिनिश वाइज देख लो कितनी सही लग रही है। अगर कोई भी अपनी गाड़ी में कराना चाहिए तो बेसिक चीज़ें अपने आसपास में किसी भी रैप वाले से आप लोग करवा सकते हैं कि भाई जीटी लाइन वाला डिजाइन बना दो, या आपका टोइंग हुक इसको ऐसे दबाओ तो टोइंग हुक अपना बाहर आ जाता है, इसको अगर ऐसे दबाओ तो अपना टोइंग हुक बाहर आ जाता है, जिसको मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ। नॉर्मली अगर आप लोग गाड़ी देखेंगे तो फ्रंट ऐसा है, ठीक है ना। एंड एक बार आप लोग साइड प्रोफाइल देखो, सबसे पहले भाई इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं टॉप वेरिएंट वाला अलॉय व्हील। अलॉय व्हील के अगर मैं डिज़ाइन के बारे में बात करता हूँ भाई, सेम टू सेम किया से ही अलॉय व्हील आया है, हमारे पास भी ओरिजिनल किया वाला ही सेम अलॉय व्हील होता है, वही है ये किया कि यहाँ पे ब्रांडिंग रेड कलर का कैलिपर को पेंट करवा दे, जिससे कि जीटी लाइन वाली डिज़ाइन आ जाए। एंड ओवरऑल अगर टायर साइज के सेक्शन के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे मैं आपको टायर साइज फटाक से ढूंढ के दिखा देता हूँ। गाड़ी के अंदर हमने 215/60 R16 मतलब 8/16 इंची का इसके अंदर अलॉय व्हील इंस्टॉल करा हुआ है, जो कि भाई ओवरऑल एक लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा मतलब मैसिव लग रहा है। एंड साइड प्रोफाइल एक बार पूरी ओवरऑल चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। इसके अंदर अब जहाँ तक है नेक्स्ट मॉडिफिकेशन अपनी भाई ऑटो फोल्ड वाले ORVM की होने वाली है, उसके ऊपर भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगा। एंड आप लोगों को क्रोम डोर हैंडल्स देखने के लिए मिलेंगे। साइड बीडिंग जो है वो अपने पास ब्लैक वाली भी है, जिसमें फोर्स ऑन इट लिखा रहता है, जस्ट ऐसा वाला भी अपने पास मिल जाएगा, ब्लैक वाली भी मिल जाएगी, तो इसके अंदर क्रोम वाली लगाई हुई है, जो कि भाई लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड मेरे से एक भाई ने कहा था कि भाई अगर बेस वेरिएंट में रूफ रेल लगाएंगे तो उसका रिस्पांस कैसा देखने के लिए मिलेगा, तो भाई आपको कुछ ऐसा रिस्पांस देखने के लिए मिलेगा बेस वेरिएंट में अगर आप लोग रूफ रेल लगाएंगे तो। ये अपने पास रूफ रेल सेम यही मिलेगी, आप में से किसी को चाहिए तो सेम टू सेम आप लोग चेकआउट कर सकते हो भाई, लुक वाइज देख लो डिक्टो सेम देखने के लिए मिलेगी, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। एंड अगर हम पीछे से देखें तो भाई पीछे से गाड़ी कुछ ऐसी देखने के लिए मिलेगी, बस पीछे की तरफ ना एक मॉडिफिकेशन की कमी है, वो जो इसके ऊपर लगती है अपनी क्रोम किट, बस इसके ऊपर एक क्रोम किट और लग जाए ना भाई गाड़ी में मज़ा आ जाएगा। ऊपर की तरफ देख लो भाई लोअर वेरिएंट है तो आपको नॉर्मल ऐसा वाला एंटीना मिलता है, वरना शार्क फिन आ जाता। पीछे की तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो भाई नॉर्मली यहाँ पे भी जीटी लाइन वाला जो डिज़ाइन होता है उसी वाले टेक्सचर को कैरी फॉरवर्ड करा गया है, नॉर्मली रिवर्स पार्किंग दो सेंसर आ जाते हैं। अभी ये वाली लाइट आनी, बाकी वाली लाइट आ जाएगी तो वो भी दिखा दूंगा। एंड ओवरऑल अगर हम पीछे के रिस्पांस की बात करें तो काफ़ी ठीक है। एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि भाई लोअर वेरिएंट है तो देख लो यहाँ पे कोई भी आपका जो कैमरा उसकी प्लेसमेंट नहीं है, कैमरा हमने इसके अंदर यहाँ पे देखो नीचे ये माउंट करा हुआ है, शायद से विजिबल हो रहा होगा, ये रहा इसके अंदर कैमरा, प्लेसमेंट सही है, देखने में काफ़ी सही है, क्वालिटी कैसी है अंदर चल के अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। की की अगर बात करें तो भाई देख लो नॉर्मली आपको ऐसी की देखने के लिए मिलती है, ये इसके अंदर भाई रिमोट आता है नॉर्मली, ये लॉक मतलब ये आपका लॉक अनलॉक। तो भाई नॉर्मली अगर हम इसके अंदर अंदर एंटर होते हैं गाड़ी का तो आपको दिखा देता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले भाई मैं गाड़ी के अंदर आपको दिखाऊं तो भाई नीचे आपको मिलने वाली है सोनेट की वेलकम लाइट, दूसरी साइड से दिखाता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है। देखो भाई इसके अंदर व्हाइट कलर की सोनेट की ना वेलकम लाइट जिसको कहते हैं हम, वो इंस्टॉल करी हुई है, प्रॉपर भाई व्हाइट कलर में जल रही है, लिटरली आप लोगों को ना वीडियो के अंदर इतना पता नहीं चल रहा होगा, देखो रिफ्लेक्शन पूरा रिफ्लेक्शन ये है सोनेट की ब्रांडिंग, और इसके ऊपर देखो जैसे अपना स्टेनलेस स्टील नहीं होती उस टाइप का डिज़ाइन है, बट है प्लास्टिक की, किसी को ये वाली लगवानी है तो ये लगवा सकता है, जो ब्लू वाली हम लगा
आते हैं तो वो भी आप लगवा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है देखने में। अब आप लोगों को एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ साइड के डोर्स के ऊपर। काफ़ी लोग अपने डोर के ऊपर जो जीटी लाइन वाला डिज़ाइन होता है वो करवाना पसंद करते हैं, और मैं पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग इसके अंदर सॉफ्ट टच डलवा सकते हैं। तो देखो भाई, वही चीज़ सॉफ्ट टच है जो मैंने आप लोगों से कही थी, आप लोग गाड़ी के अंदर अपनी सॉफ्ट टच ऐसे तरीके से लगवा सकते हैं, एंड बीच के अंदर ब्लैक कलर की जो थ्रेडिंग वाला डिज़ाइन आता है वो भी आ जाएगा। आगे वाला पोर्शन देख रहे होंगे तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है कि आगे वाला पोर्शन ना भी पसंद आए, काफ़ी लोगों को पसंद आ भी सकता है। बेसिकली इसके ऊपर हुआ हुआ है प्रॉपर अपना डिप पेंट। डिप पेंट के बाद भाई एक जो लुक आ रही है देख लो भाई, कुछ ऐसी लुक देखने के लिए मिलेगी आप लोगों को गाड़ी की, काफ़ी ज़्यादा मतलब मैसिव लग रही है गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अच्छी नज़र आने वाली है। अब एक बारी अंदर चलते हैं, अंदर चल के आप लोगों को गाड़ी का रिस्पांस दिखाना बनता है कि गाड़ी के अंदर क्या चीज़ कैसी है कैसी नहीं है, ओवरऑल गाड़ी का क्या रिस्पांस रहने वाला है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को देखो भाई इसका स्टीयरिंग दिखाऊं तो इसके ऊपर भाई जो हम दूसरी वाली स्टीयरिंग के ऊपर स्टिचिंग करते हैं ना निकाल के, जो मशीन से स्टिचिंग होती है वो वाली हुई भी है। लुक वाइज देख लो भाई कितनी सही है, प्रीमियम लग रही है, एकदम बढ़िया लग रही है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करे हुए हैं प्रॉपर भाई, फिटिंग देख लो, लुक देख लो कितनी सही है। लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो कि बेस वेरिएंट में नहीं आते हैं, राइट साइड में आपके नॉर्मल एमआईडी के कंट्रोल्स आ जाते हैं। एंड ड्राइवर साइड विंडो पे देखो, ड्राइवर साइड देखोगे तो आपके दो पावर विंडोज के कंट्रोल है, एंड अगेन वही वाला अपना जो अपना डिपेंट हुआ हुआ है वही सेम चीज आपको इस वाले डोर के ऊपर भी देखने के लिए मिलने वाली है। कितनी ज्यादा मतलब अच्छी लग रही है, एंड ये सॉफ्ट टच ये आप में से किसी को भी करवाना हो ना तो बेशक मेरे को बता देना, ये चीज आप लोग करवाओ यार, मैं तो रिकमेंड करता हूँ इसके लिए यार, ये बहुत ज्यादा मतलब अगर आप में से जो बंदा ज्यादा गाड़ी चलाता होगा ना, जिसकी थोड़ा रन ज्यादा होगा उसको इसका भाई कह सकते हैं कि कंफर्ट कन्वीनियंस इसके मतलब यूज समझ में आएगी कि हाँ यार इसका क्या फायदा क्या नहीं है। ओवरऑल स्टीयरिंग की बात करें तो भाई स्टीयरिंग के ऊपर भी फिटिंग को लेकर भाई कोई दिक्कत नहीं है, एकदम A1 इसके ऊपर आप लोगों को देखो भाई फिटिंग देखने के लिए मिलेगी, देख लो प्रॉपर परफेक्शन वाली है। एंड यहाँ पे ना अभी इसके अंदर फ्रेम लग रहा है, जो अपने पास फ्रेम आ चुका है मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर किसी को फ्रेम लगवाना है तो आप लोग लगवा सकते हो, तो वो चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पे अपने जो वो माइक होता है वो लगा हुआ है, ये अपना माइक है, एंड राइट साइड की दो पावर विंडोज मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। नॉर्मली इसके अंदर भी भाई प्रॉपर डिजिटल मीटर आता है तो वो चीज़ मिल जाती है, फ्रेम लगने के बाद फ्रेम का रिस्पॉन्स दिखा दूंगा। एंड यहाँ पे आपको देखो बेस वेरियंट के अंदर ये चीज़ भी नहीं आती, आपके सनग्लासेस होल्डर जिसके अंदर ऑलरेडी भैया के सनग्लासेस रखे हैं, इसको बंद कर देते हैं। देखो यहाँ पे यहाँ तक कि मतलब ये डमी है इसके अंदर, मतलब अपना सनरूफ का भी इसके अंदर ऑप्शन आ रखा है, तो मतलब ये तो डमी है, सनरूफ वाला बटन वर्क नहीं करेगा, बाकी ये बटन वर्क करेंगे जिनके अंदर लाइट भी जो है अपनी वाइट है। देखो यहाँ पे आप ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे डोर्स पे ऑन होगी, यहाँ पे नॉर्मली ऐसे पुश करेंगे तो ये तब भी ऑन हो जाएगी, ऐसे भी ऑन हो जाएगी, वाइट लाइट है, थ्रो वाइज काफी मतलब सही है। इसके अंदर दिखाऊं तो भाई यहाँ पे भाई अलग से मिरर लगवा रखा है, हालांकि इसके अंदर देखो मिरर आता नहीं है, ऊपर से लगवा रखा है, लोअर वेरियंट है तो ये चीज़ आप भी लगवा सकते हैं, काफी सही चीज़ है। छोटी छोटी सी चीज़ों की भैया ने काफी जगह पे मॉडिफिकेशन करवा ली है तो ये चीज़ आप भी करवा सकते हैं। आप अपने दिमाग में सोच कि हाँ यार मुझे ये करवाना है ये करवाना है, पीछे भी थोड़ा सामान पड़ा है भाई लोग उसको थोड़ा सा यार माइंड मत करना। सीट कवर के रिस्पांस की बात करें तो भाई जीरो रिंकल, रिंकल अपने पास होते ही नहीं है, जिस चीज की अपन गारंटी भी देते हैं। और भाई इसके ऊपर बर्फी वाला डिजाइन है जो यहाँ पे भी है, इधर भी थोड़ा सा कैरी करा है। और इसके अंदर ना एक चीज और बताता हूँ, ये जो थाई सपोर्ट है ना, थाई सपोर्ट के अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट टच भी ज्यादा, और प्लस जो ये रेड कलर की पाइपिंग है जीटी लाइन से थोड़ा सा यूनिक डिजाइन भी है। और अगर मैं लुक वाइज एक बात करूँ भाई, परफॉर्मेंस वाइज मतलब एक कहते हैं ना देखने में आपको कैसा लग रहा है, काफी बढ़िया लग रहा है। आप में से काफी सारे लोगों ने इस चीज के ऊपर गौर फरमाया होगा कि ये क्या लगवा रखा है, भाई ये भैया ने लगवा रखा है अपना सीट के अंदर लंबर सपोर्ट लगवा रखा है। ये देखो भाई आपकी जो सीट है देखो ये फूल रही है, ये मतलब लंबर सपोर्ट यहाँ से वर्क करता है। देखो इसको ऐसे ऐसे आप चलाएंगे ना तो भाई ये लंबर सपोर्ट का काम होता है, जो कि भाई आपके कंफर्ट को मतलब आपकी कमर के लिए ना कंफर्टेबल चीज़ हो जाती है, एकदम मज़ेदार चीज़ हो जाती है प्रॉपर। भाई सेंटर में आपके पेंच वगैरह खुले हुए हैं अपने आर्म रेस्ट, इसके मतलब अपने जो स्क्रीन होती है इसके आर्म रेस्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं भाई अपना सेम डिज़ाइन कैरी करा हुआ है। इसके अंदर भी थोड़ा सा सॉफ्ट टच डाल दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुद में ही एक बढ़िया लग रहा है। पीछे के डोर्स पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो भाई देखो पीछे के डोर्स के ऊपर भी सॉफ्ट टच आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एंड प्लस पीछे के जो डोर्स हैं उनके ऊपर भी अपना डिपेंट हुआ हुआ है। पीछे की जो सीट्स का रिस्पांस है वो देख लो भाई, कोई रिंकल आपको यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई रिंकल नहीं मिलेगा। एंड बेस वेरिएंट के अंदर भी भाई देखो इसमें आर्मरेस्ट इंस्टॉल्ड है। पीछे चल के एक बार और अच्छे से दिखाता हूँ, देखो पीछे की तरफ आप लोगों को अगेन सोनेट की जो स्कफ प्लेट है वो देखने के लिए मिल जाएगी। कितना क्यूट सा छोटा सा लिखा हुआ है सोनेट, कितना क्लासी लग रहा है, काफी लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। आप लोग चाहो तो ये वाली अपनी गाड़ी में भी लगवा सकते हो जो कि काफी अच्छी लगती है। एंड अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई सीट का जो पीछे का डिजाइन आपको पूरा यहाँ तक देखने के लिए मिलेगा। एंड इधर के डोर के ऊपर मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया था कि अपना डिपेंट हुआ हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। डिपेंट के साथ यहाँ पे सॉफ्ट टच भी है देख लो, जो कि भाई बहुत अच्छी चीज है। एंड पीछे की तरफ आप लोगों को भाई देखो नॉर्मली पीछे जो घुमाने वाली विंडोज आती हैं वो है, तो पावर विंडोज भी इसके अंदर लग जाएंगी। दूसरी भाई अच्छी जो मॉडिफिकेशन मेरे को लग रही है वो इसके अंदर भाई ये है आर्मरेस्ट,
भाई आर्मरेस्ट के साथ प्रॉपर भाई दो कप होल्डर भी है भाई, बेस वेरिएंट तो लग ही नहीं रहा, मतलब हर काम हुआ है इस गाड़ी के अंदर। बेस्ट टू टॉप अगर इसको कहा जाएगा ना, इन गाड़ियों को जेन्युइनली बेस्ट टू टॉप कह सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो रह रही हो। पार्शियल ट्रे भी देखो बेस वेरिएंट में नहीं आती है, तो इसके अंदर पार्शियल ट्रे भी लगी हुई है। पीछे की तरफ अपना यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे नॉर्मल कुशंस, जैसा अपना मतलब इनका सीट कवर्स का डिज़ाइन है सेम उनसे मैचिंग वाला, सीट कवर से सेम टू सेम मैच करने वाला डिज़ाइन है। अभी जब अपनी स्क्रीन लग जाएगी तो स्क्रीन ऑन करने के बाद मैं प्रॉपर आप लोगों को साउंड आउटपुट भी सुना दूंगा। एक बारी आगे चलता हूँ, आप लोगों को लाइट्स वगैरह रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, और एक बारी बोर्ड भी चेकआउट कर लेते हैं फटाक से। देखो भाई नॉर्मली बोट के अंदर अपना भाई जो पीछे का जो सीट कवर है वो पूरा देखो नीचे तक कवर करता है, रेड कलर की स्टिचिंग देखने के लिए मिल जाएगी। बोट में थोड़ा बहुत सामान रखा तो भाई उसको माइंड मत करना, नीचे अपना नॉर्मल स्पेयर व्हील अपने को मिलने वाला है।